अफ्रीका में पढ़ रहा हूँ ये हिंदी में पढ़ूंगा और ओडिया से ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है. बहुत ही एस्टैब्लिश्ड कवि हैं हिंदी के, श्री गिरधर राठी, इन्होंने इसका अनुवाद किया था. काफी कुछ जोखिम भरा काम था पर फिर भी किया है. ये एक इंटरेस्टिंग कविता है, मैं इसको सुनाना चाहूंगा, हिंदी में ही सुनाना चाहूंगा. नया कपड़ा. कविता पढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, बासान से जितना बिहार है तथा नवानी नाथी नरों पर आई. याद करिए फिर पढ़ता हूं. आंखें मुंदे नूरी तिवारी पड़े हैं, कंठ में घर घर है कफ की, सांस तेज छाती में धोखनी बेला आखिरी. छोड़ो भैया कपड़ा पुराना तिवारी, ये ले पहन लो नया कपड़ा, जल्दी से कान के पास बार बार कहता है कोई. छोड़ भैया कपड़ा पुराना तिवारी, ये लिए पहन ले नया कपड़ा, जल्दी से कान के पास बार बार कहता है कोई. कौन? कुछ ठीक से नहीं दिख रहा है, कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है. होगा वही सांवले रंग का अच्छा हरा लड़का कोई शायद. कौन? कान्हा. आंख खोल कर बोले नूरी तिवारी, कौन सा कपड़ा कान्हा, कौन सा कपड़ा? असल तो पुराना है रे, उसी से उसी उसे ही पहनकर बैठा हूं मैं, कसोया हूं मैं कसकर, क्यों छोड़ू उसे? क्या क्या सुख मिलेगा, क्या पहन नया पहन? तोतों का कौन सा झुंड पहचानेगा कि नया नया पहने हैं बिजू का मगही के खेत में. क्या सुख मिलेगा नया पहन, तोतों का कौन सा झुंड पहचानेगा कि नया नया पहने हैं बिजू का मगही के खेत में. फलता है पुराना बिजू के पर, चलता है फटा ही पुराना ही, धाएं धाएं टीन के पखेर उड़ाने की बाजे के साथ दागे लगा दो, दाग खुरच जो भी हो क्या परवाह. ले जाओ वापस सो नया कपड़ा, नहीं चाहिए मुझे. ले जाओ वापस सो नया कपड़ा, दे आ गोसाई को कहना, कहे हैं तिवारी रखो अपने पास. मुंह पर हिला हिला छलने की, जूने को नया बना फंसाने की चातुरी. मैं नहीं फंसने वाला, कहना कहे हैं तिवारी, जाएंगे वे उसी पुराने को पहनकर, आएगा अंत जब. जाता है जैसे खेत से बिजू का फसल कटाई के बाद, जूने से जूना हो, चिंदी चिंदी चिथड़ा चिथड़ा हो, तार तार बेपरवाह. वो नया कपड़ा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कहा ना नहीं चाहिए. लड़के ने अपने रफ्तार पर हथेली रख दी दीवारे के भाल पर, ढंकती उन्होंने नए कपड़े से नूरी दीवारे का देह. वो नया कपड़ा अब सच कुछ दिखता था, मटमैला पीढ़ियों पुराना, जीर्ण शीर्ण प्राचीन.